राम राम दोस्तों, सलासर ट्रैक टर्बो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप आए दिखाएं फार्म ट्रैक 60 2019 मॉडल ईफ आई। दोस्तों इस ट्रैक्टर में टर्बो लगाई थी और टर्बो भी अपने किसान भाइयों ने लगवाई थी और इन तब बात करेंगे एक बार आप कितने टाइम पहले टर्बो लगवाई थी और कौन सा गाँव है इनका। ये काफ़ी दूरी पर वैसे तो हमारे जीन से देखा जाओ तो शिवानी के पास गाँव है इनका, उनसे बात कराएं। राम राम प्रधान जी। राम राम। थोड़ा अपना नाम गाँव बताना जी। नाम कुलदीप है भाई। अच्छा गांव जी। गेंडावास है। गांव गेंडावास शिवानी के पास। हाँ, तहसील शिवानी। अच्छा तो जिस तरह आपने इस ट्रैक्टर में टर्बो लगवाई तो लगभग कितना टाइम हो गया? टाइम करीबन 9-10 महीने हो गए। 9-10 महीने हो गए। तो इसमें 9-10 महीने के अंदर में कोई टर्बो में कोई दिक्कत आई किसी प्रकार की? टर्बो में तो कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार की भी दिक्कत? अच्छा, और ट्रैक्टर की क्या परफॉर्मेंस रही टर्बो लगवाने के बाद? बढ़िया रही है, ट्रैक्टर दबलता रह गया। ट्रैक्टर ये दबदा नहीं है कहने की बात है। और एवरेज की बात करी जाओ तो एवरेज भी बढ़िया देव है। पहले जितना पहले ले रहा था उतना ही ले रहा है या उससे कम ले रहा है, उससे ज्यादा ले रहा है? तो थोड़ा कम ले रहा है लेकिन ट्रैक्टर दबा को नहीं, खुला चल रहा है। ईब खुला चल रहा है। तो तेल पहले से जो आप नॉन टर्बो चला रहे थे उससे थोड़ा कम ले रहा है बस? वैसे ट्रैक्टर चल रहा है खुल के, उस वाली कोई दिक्कत नहीं? जो आपने पहले चलाया एप्लीमेंटो में उसके हिसाब से और अब इसके हिसाब से टर्बो के हिसाब से। तो आज आपने जिस तरह केबल आने का कारण रहा मेरा, आपने ट्रैक्टर पर बुलवाया मैं थोड़ी दिक्कत थी, फ्लंच की इसमें लकीजिंग थी थी और एक साइलेंसर थोड़ा टेढ़ा था, तो अभी ठीक है। तो दोस्तों मैं बताऊं, अपने किसान भाई ने बताया अभी जो उरा था अपने एक प्लेट लगाई के नदी थी तो वो प्लेट हल्की थी, इसके अंदर जो आप खुद लगाई थी हमने तो ये कितने जांडी में लग गया था और जांडी में लगने के बाद बैंड हो गया था शायद, ये बैंड हो गया था नहीं शायद? हाँ। बैंड होने के बाद प्लेट भी क्रैक रुक हो गई थी या जो भी होया था वो तो चलो अलग काम है। तो अपने किसान भाई ने फिर इसका सिलेंसर बदला, सिलेंसर बदलने के बाद में इसमें फार्म ट्रैक में नीचे एक कॉलर आया है 60 पीस में भी आया है, 60 में भी, फार्म ट्रैक 45 में भी, तो उसमें पत्ती में फिट को नहीं आई। नया सिलेंसर ले रखे आपने, दिखाई दे रहा होगा। हाँ भाई बिल्कुल जेन्युइन सिलेंसर है, स्कॉट का मार्क एरिया इस पर। तो हमने किसान भाई ने ये फिट किया तो इसका मावा कौन था? तो फिर मेरे दौर किसान भाई का फोन गया, भाई नूनू दिक्कत है जो हमने और सिलेंसर बदला पहले था तो जो था फिट आ रहा था वो तेरे दौर था तो टर्बो लगवाई ना आया उस टाइम। तो ये भी जो बाद में नया सिलेंसर यू नहीं आना था, मैं चलो कोई नहीं आने के बाद में फिर देखा, तो ये आने के बाद में देखा तो एक थोड़ी भूल चुक ला लो किसान भाई की और लगा लो तो उरा आगे देखा तो फिट आया एंड फिट आया हुआ कुछ नहीं किया मैंने तो। तो एक बार अपने किसान भाई चलाए गए दिखाओ ट्रैक्टर ने, चलो एक बार चलाए गए दिखाओ जी फिर। और फिलहाल जो इसमें टर्बो अपनी वर्किंग करना स्टार्ट कर रही है और उसका ट्रैक्टर पर लोड पड़ेगा तो उस पाइप भी बगैर इसका, क्योंकि जो उस पाइप का किलफ है किलफ ढीला है इसका, हमें लोड पड़ेगा तो टर्बो का उस पाइप बैठे इसका। चलाओ जी फुल लोड बचा लन दियो, फुल लोड पर फुल लोड बचा लन दियो। और ये लिफ्ट वाली यार हो दोस्तों, क्या की रेस पर चला रहे थे? 20 की रेस पर था, कितने आरपीएम ड्रॉप कर रहा था? इसका लीवर सेट कर रखा है? अच्छा ना वो लीवर सेट कर तो कर ले टर्बो और नॉन टर्बो तो ये ट्रैक्टर दे भी था उड़ाए पास से रोड हुआ ही था रे है नहीं टर्बो भाई बगाएगी इसका देखो स्पाइक नहीं लग रही है यो पल्ला तो बोल की सलम मारता चल रहा था ट्रैक्टर पूरा एक अच्छा दाम माननी गालियो भी तरह ना किलम ना लाओ नुए चालन दो गल गया यो चलाओ मैं ध्यान रखूंगा इसका नहीं उसे लोड बतलाइयो नुए ट्रैक्टर और कौन ही दबा है? ट्रैक्टर दबा कितना है? ट्रैक्टर दबा कितना है? दो हजार की कितने था? 1800 की 1800 पे था कि क्या 1800 पे था 1800 रहा था तो फिर नू हिसाब को नहीं आवा नहीं ट्रैक्टर पर लोड गेड़ो आप बड़ा गेयर लाएगी गेड़ोगे या लिफ्ट लीवर और नीचे करोगे? हाँ
जुगर ट्रैक्टर की आपने 2000 की रेस कर ली नहीं, ट्रैक्टर ना आप दाइब के लिया 1100-1200 पे 1800 सर बहन लगड़ जाएगा तो मैं भाई रेस कर लियो भाई। फिलहाल किसान भाई ने हमारा बैम लगड़ जाएगा कौन ही चल लिया है क्या कौन ही चल लिया नीप की बार है लाऊंगा उस पाइप क्योंकि अपन मेरा है अपन जो बिना ट्रबो कर दिया ट्रैक्टर है तो 1800 रेस ट्रैक्टर 1800 प्रो इतना ट्रैक्टर नहीं दबोगा इतना मेरा कौन पता है ये और बताऊं मैं कर दे बंद कर दे क्योंकि बाबा जो 1800 की रेस करके ना ट्राई मारना था कि ट्रैक्टर की अपना ट्रैक्टर दबिया ही नहीं तो उस चीज़ का तो कोई फायदा नहीं। ट्रबो भाई जब भी 1800 रखा है 1800 पर आएंगे तो अरे हाँ जब भी 1800 रखा है तो वो है ही है लोड गेड़े भारत भाई तो ये बाप ने गेड़ के देखा है मन दोस्त भाई टायर लाया है आपके हिसाब से के लग गया आपने पला जुगरा राम राम तो सरकता सरकता आओ था यो राम राम तो आओ था मन ना हो यार सरकता था है ट्रबो में सरकण लाग रहा था। हां अरे भी इसका मत कल छोड़ दे बंद होया है छोड़ दे बंद हो गया। हां बस यो है तो फर्क है नहीं अरे जिसमें ट्रबो लगा ट्रैक्टर ने कोई धुमा भी नहीं दिखाया के क्या बात है ये आपके को थे वाज का लफड़ा था वो लिया अगर हम इतनी बार पास से दिक्कत आंदी होगी करियो स्टार्ट मोस पाइप ला दूँ एक बार ठीक है दोस्तों यही था जो भी था तो किसान भाई का कुछ और चेक करना है वीडियो पसंद आए लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना जल्दी मिला कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा जो उस पाइप रुक जाओ।